हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं निकोन और कैनन के बिगिनर्स कैमरे के कुछ फीचर या इन दोनों का कंपैरिजन। जो हमारा पहला कैमरा है वो निकन का D3300 कैमरा है। ये निकन ने 2014 में लॉन्च किया था, 32 का अपग्रेड वर्जन है ये। और जो सेकेंड कैमरा है ये आप देख सकते हैं कैनन 1300D, ये अभी 2016 में लॉन्च हुआ था। जो कि 1200D जो कैनन का पहले मॉडल आता था बिगनर एंट्री लेवल में, उसका अपग्रेड वर्जन है। तो दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में, उन दोनों कैमरों से जिनसे इनका अपग्रेडेशन किया गया है, उनसे क्या फीचर एडवांस किए हैं और इनमें क्या नया फीचर्स वगैरह एड ऑन किए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जो कि है बिल्कुल बिगिनर एंट्री लेवल के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आप देख सकते हैं जो दो नए कैमरे हैं, नए तो नहीं कह सकते, हाँ कैनन का फिर भी नया है, लेकिन निकन का थोड़ा पुराना हो चुका है। 2014 का मॉडल है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छा मॉडल्स है और काफ़ी अच्छा चलता है। और कैनन में ये नया मॉडल कह सकते हैं आप, D3300D। तो दोनों की अगर फीचर्स की बात करें, या जैसे 1200D था उससे 1300D में क्या अपग्रेडेशन करिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो थोड़ा हाई किया है, जिससे आपको इमेज क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलेगी या थोड़ी अच्छे दिखेंगे। कलर्स जो मिटरिंग होती है वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इसमें बिल्ट इन वाईफाई और NFC का नया फीचर एड ऑन किया है कैनन ने, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से इसकी इमेजेस वगैरह डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन में। तो ये हो गया। उसके अलावा प्रोसेसर जो 1200D था उसमें DG4 प्रोसेसर था, जिसको बढ़ा के DG4+ प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जिससे कि उससे ये थोड़ा फास्ट रहेगा प्रोसेसर। जैसे कंटिन्यू शूटिंग स्पीड है या व्यू डिलीट है, जो भी है XYZ, तो थोड़ा फास्ट प्रोसेसर है। तो ये बात है कैनन के 1300D की। और इसकी प्राइस रेंज की बात करें, तो अगर इसको आप 18-55 लेंस के साथ लेते हैं, 1855mm नॉर्मल लेंस के साथ लेते हैं, आप IS लेंस के साथ में, तो ये आपके 26-26500 की रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कॉम्बो की, तो कॉम्बो 38,955 MRP है, जो कि आपको इजीली 34-35 के बीच में आपको कहीं पे भी ये मिल जाएगा। और आजकल ऑनलाइन साइट्स पे तो ये आपको और भी सस्ता मिल रहा है। और अगर बात करें निकन के D3300 की, तो इसमें थोड़ी अपग्रेडेशन 3200 से ज़्यादा करी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट तो ISO परफॉर्मेंस जो 3200 में था वो 6400 था, जिसको बढ़ा के अब इसको आपको 12800 किया गया है। अगर FPS की बात करें तो 4 फ्रेम पर सेकेंड में था, ये आपके 5 फ्रेम पर सेकेंड में आएगा। उसके अलावा उसमें आपके Full HD नॉर्मल 30p में रिकॉर्ड करता था, जो 3200 था ये Full HD 60p में रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्डिंग की स्मूथनेस और शार्पनेस भी 32 के कंपेयर में इसकी थोड़ी बेटर होगी। और ऑप्टिकल लो पास फिल्टर की कोटिंग भी इसमें से हटाई गई है, जिससे कि आपको जो डिटेलिंग वगैरह है या आप लैंडस्केप कैप्चर करते हैं तो काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी आपकी। वो कोटिंग हटाने की वजह से थोड़ी शार्पनेस वगैरह बेटर हो गई है। तो दोस्तों, तो आपने अभी देखा तो इसमें क्या अपग्रेडेशन की गई है D3200 से। और उसके अलावा हम बात करें इसके फीचर्स वगैरह की, तो जैसे कि पैनोरमिक शॉट है वो एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। स्पेशल इफेक्ट में सेलेक्टिव कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मूवी में या फोटोज़ में आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। प्लस जो ये लेंस है वो भी निकॉन ने अब अपग्रेड कर दिया है, ये AF-P लेंस है पल्स स्टेपिंग मोटर के साथ में 1855। इसके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस लेंस की क्या खास बात है। तो इसको अपग्रेड किया है कंपनी ने। और बात करी जाए अगर दोनों ही कैमरों की, कैनन एंड निकॉन बोथ, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लुक में हैं। बिगिनर्स अगर आप एंट्री लेवल हैं, अगर आप
नया नया SLR परचेज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कैमरे मेरे हिसाब से अगर अंडर 30,000 आपका बजट है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप कैनन में जाना चाहते हैं तो 1300D बेस्ट ऑप्शन है, और निकन में जाना चाहते हैं तो T3300 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कई लोग इन दोनों से कंपेयर करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कौन सा बेस्ट है या कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा दोनों कंपनी बेस्ट है, दोनों ही कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में से एक है। तो आप अगर आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा स्क्रीन पे देखने में आपको कलर्स वगैरह अच्छे दिखने चाहिए, आपको सिर्फ इमेज से आपको ओनली इमेज क्वालिटी से आपको मतलब है, और बिल्ट इन वाईफाई की रिक्वायरमेंट है कि आप शेयरिंग वगैरह कर सकते हो, तो उसके लिए आप 1300D आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीचर थोड़े अच्छे चाहिए, हालांकि 3300 की भी इमेज क्वालिटी कोई बेकार नहीं है, इमेज क्वालिटी दोनों के बेटर है, पर दिखने में थोड़ी उसकी स्क्रीन पे उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा है, तो दिखने में उसकी इमेज क्वालिटी 1300D की आपको बेटर लगती है। तो 3300 आप देख सकते हैं, 3300 में आपको उसके अकॉर्डिंग ISO परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। जैसे उसके अंदर 6400 है, इसके अंदर 12800 है। शूटिंग स्पीड की बात की जाए तो इसमें 5 फ्रेम पर सेकंड की FPS है, उसमें आपको 3 फ्रेम पर सेकंड की FPS मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दो फीचर आपको निकन में एडवांस मिलेंगे, जैसे एक तो Full HD 30p का ऑप्शन हो गया, उसमें Full HD 30p है, और क्या निकन में Full HD 60p आएगा आपकी, जो कि पर सेकंड आप 30 फ्रेम एक्स्ट्रा कैप्चर कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड चीज़ बात करी जाए तो फोकस की, तो इसमें लेंस जो है AF-P लेंस लगाया गया है, तो उसकी वजह से इसका जो फोकस है वो काफ़ी क्विक होता है और काफ़ी फास्ट फोकस करता है, तो वो भी एक 3300 का आप एडवांटेज मान सकते हैं। और बात की जाए बाकी इमेज क्वालिटी की, सेंसर साइज की, तो लगभग दोनों का सेम सा आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही एंट्री लेवल में अच्छे मॉडल्स हैं, अगर आपका अंडर 30,000 बजट है तो दोनों में से आप कोई भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यू वर्ल्ड, उस पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हम आपको आगे भी और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे।